नमस्कार दोस्तों, वीटेक की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि क्या हम बिना वायरिंग डायग्राम देखे गाड़ी को डायग्नोज कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं उसे डायग्नोज बिना वायरिंग डायग्राम को देखे, तो उसकी हद क्या होगी, कहाँ पर जाके हमें लगेगा कि अब बिना वायरिंग डायग्राम के हम गाड़ी को चेक नहीं कर सकते, इससे ज्यादा टेस्टिंग हम नहीं कर सकते। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी चीजों पर, कौन कौन सी टेस्टिंग्स पर आपको वायरिंग डायग्राम की बहुत जरूरत होती है, और कौन से टेस्ट ऐसे हैं जो बिना वायरिंग डायग्राम देखे भी आप आराम से कर सकते हो गाड़ियों को चेक, हर बार आपको वायरिंग डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती। इंडिया में जैसे कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है, वायरिंग डायग्राम लेना बहुत मुश्किल हो गया है। कई गाड़ियों की हमें मिल जाती है और कई गाड़ियों की नहीं मिलती। वायरिंग डायग्राम लेने के लिए इतना आप पैसा लगाते हो, बहुत सी ऐप भी है जो पैसा लेती है वायरिंग डायग्राम देने के लिए। तो मैंने सोचा कि आपको, आपके साथ ये आइडिया शेयर किया जाए कि बिना वायरिंग डायग्राम देखे भी हम बहुत हद तक गाड़ियां डायग्नोज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, और आपके लिए बहुत ही मजेदार मैं खबर लेके आया हूँ। एक और आगे का एक स्टेप है, ऐप के बाद एक बड़ा स्टेप लिया है हमने, उसके बारे में आपके साथ बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हो हमारे पीछे, मैंने एक प्रेजेंटेशन फाइल बनाई हुई है जिसपे मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा, शेयर करूंगा अपने जो मेरे व्यूज हैं, जो मेरा आइडिया है, जो मेरे टेस्टिंग प्रोसीजर होती है, या कभी भी कोई गाड़ी को डायग्नोज करते वक्त जो मेरे दिमाग में प्रोसेस चल रहा होता है, सोच का जो मेरा प्रोसेस है वो क्या होता है, उसके बारे में मैं आज आपके साथ बात करूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक वायरिंग डायग्राम दिखाई हुई है, वायरिंग डायग्राम विदाउट डायग्नोज विदाउट अ वायरिंग डायग्राम। आगे चलते हैं, तो ये पॉसिबल है या नहीं। तो 30-40% तक आप गाड़ियों को डायग्नोज कर सकते हो बिना वायरिंग डायग्राम को यूज किए। 30-40% मैं कर लेता हूं, जो मैं समझता हूं कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। 40% मैं गाड़ियां डायग्नोज कर लेता हूं बिना वायरिंग डायग्राम को यूज किए। और उसका मेन कारण क्या है, या उसके पीछे राज क्या है, वो यही है कि जो मेरी फंडामेंटल नॉलेज है, जो मेरी बेसिक नॉलेज है सेंसर्स को लेकर, सिस्टम को लेकर, कंपोनेंट्स को लेकर, वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे पता है कोई फ्यूल पंप कितना करंट लेता है, या इंजेक्टर कितना करंट लेता है, इग्निशन कॉइल कितना प्रोड्यूस करती है वोल्ट। सो हर एक चीज, हर एक सिस्टम, ईवेब सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम, चार्जिंग सिस्टम, इसकी अगर आपको डीप नॉलेज होगी तो मुझे नहीं लगता आपको वायरिंग डायग्राम की ज्यादा जरूरत पड़ती है। कई बार हमारी यहाँ पे बहुत पुरानी गाड़ियां भी होती हैं, 1960 1980 की गाड़ियां, जिनकी वायरिंग डायग्राम हमें नहीं मिलती। मैं उन पे भी काम करता हूं, बस अपनी नॉलेज को यूज करके, कि वायरिंग डायग्राम तो अभी मुझे नहीं मिलनी तो ये सिस्टम चलेगा कैसे, कॉमन सेंस यूज करके कि ऐसे चलेगा तो ऐसे होगा। आपको वो जो थॉट प्रोसेस इंजीनियर का होता है कि उन्होंने जैसे गाड़ी को डिजाइन किया है वैसे ही थॉट प्रोसेस अपने अंदर चलाना है, कि उन्होंने अगर ऐसा डिजाइन किया तो इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। हर एक चीज की टेस्टिंग या प्रोसीजर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कंपनी का सर्विस मैनुअल भी खोलें जिसमें लिखा होता है कि ये गाड़ी कैसे ठीक होनी है, उसमें भी उन्होंने नहीं बताया होता कि हर एक चीज कैसे टेस्ट होनी है। ज्यादातर आपको खुद ही टेस्टिंग प्रोसीजर बनाने होते हैं। आपकी नॉलेज, इलेक्ट्रिकल नॉलेज आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, आप कोई भी टेस्ट प्रोसीजर अपनी तरफ से भी बना सकते हैं कि कोई सिस्टम कैसे चल रहा है, तो वो आपकी फंडामेंटल नॉलेज से आप डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, नोइंग द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की नॉलेज है कि वो सिस्टम चल कैसे रहा है, आप बड़े आराम से उसे डायग्नोज कर लेंगे। आपको स्कैन टूल की जरूरत नहीं है हर वक्त। बहुत सिंपल, जैसे नो स्टार्ट होता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, इन कंडीशन में ज्यादातर मैं बिना स्कैन टूल के गाड़ी को डायग्नोज कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल होते हैं कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इसमें वेरिएबल बहुत होते हैं कि वो भी खराब हो सकता है, फ्यूल भी खराब हो सकता है, इग्निशन का भी इशू हो सकता है, क्रैंक कैम का भी इशू हो सकता है, टाइमिंग का इशू भी हो सकता है। पर इसमें वायरिंग डायग्राम को बिना यूज किए बहुत चीजें हैं जो हम चेक कर सकते हैं। और कैसे हम चेक कर सकते हैं, उसके बाद 3-4 तरीके हैं। वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग, आप मल्टीमीटर से वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग कर सकते हैं, रेजिस्टेंस टेस्टिंग कर सकते हैं, एम्परेज टेस्टिंग कर सकते हैं, और उसके अलावा आप फ्रीक्वेंसी टेस्ट कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर आपका सबसे बढ़िया दोस्त है। अगर आपको मल्टीमीटर चलाना आता है
तो आप कोई भी टेस्टिंग बड़े आराम से कर सकते हो। वोल्टेज टेस्टिंग को यूज करके मैं सारी गाड़ी डायग्नोज कर लेता हूँ। रेजिस्टेंस टेस्ट मैं बहुत कम करता हूँ, बहुत ही कम जो टेस्ट मैं करता हूँ वो रेजिस्टेंस टेस्ट है, क्योंकि मैं रिलाई नहीं करता रेजिस्टेंस टेस्ट पे, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है टेम्परेचर के साथ। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है आज तो रेजिस्टेंस और होगी, अगर कल को बहुत ठंड है तो रेजिस्टेंस और होगी। आपने गर्मियों में नोट्स बनाने शुरू कर दिए कि इस कंपोनेंट इस सेंसर की रेजिस्टेंस इतनी है, आपने ये नहीं सोचा कि आज ठंड कितनी है। अगर आप सर्दियों में अगर आपने ये कॉपी में लिख लिया और आज गर्मियां है, अब गर्मियां चल रही है 40 डिग्री है बाहर, और आप फिर से उसी चीज की टेस्टिंग कर रहे हो, आप कह रहे हो कि यार रेजिस्टेंस तो सेम है ही नहीं, सर्दियों में तो इतनी थी, पर आपको ये नहीं आइडिया होगा कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बहुत इफेक्ट होती है। सो रेजिस्टेंस टेस्ट पे मैं ज्यादा रिलाई नहीं करता, मैं करता हूँ वोल्टेज ड्रॉप, और आज तक उसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। तो एक केस स्टडी, केस स्टडी क्या होता है कि जो चीज मैंने खुद खुद ब खुद डायग्नोज की हो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और कैसे मैंने उसे डायग्नोज किया। मुझे एक बार एक कस्टमर का कॉल आया था, उसके पास माजदा की गाड़ी थी, उसके पास माजदा की गाड़ी थी और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। कस्टमर ने कहा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं उसके घर गया, मेरे पास चार चीजें थी, मेरा स्कैन टूल था, मेरा मल्टीमीटर था, मेरी टेस्ट लाइट थी और मेरा लैब स्कोप था। उसके घर गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मैंने क्रैंक की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, मैंने कंफर्म कर लिया कि गाड़ी का इश्यू है। तो कस्टमर जो था वो 20 साल पहले मैकेनिक था, तो उसने कहा कि उसने फ्यूल चेक कर लिया है वो बिल्कुल ठीक है, उसने वायरिंग चेक कर ली है वो बिल्कुल ठीक है, उसने ECM भी रिप्लेस कर दिया है और गाड़ी फिर भी नहीं चली। मैं वहां पे गया, मैंने कहा ठीक है, कभी भी अगर आपको कस्टमर कहते हैं कि ये सारी चीजें किसी और मैकेनिक ने चेक कर ली है, आप उस पर यकीन मत कीजिए और सारा कुछ खुद ब खुद चेक कीजिए। अगर आप खुद ब खुद चेक नहीं करते, क्या पता उससे पहले वाले मैकेनिक ने भी ना चेक की हो। तो मैंने जाकर वही काम किया, उसने कहा कि फ्यूल चेक किया हुआ है, मैंने फिर भी जाके फ्यूल की पाइप निकाली, गाड़ी को क्रैंक किया, फ्यूल आ रहा था। मैंने कहा ठीक है फ्यूल आ रहा है। मेरे पास फ्यूल प्रेशर गेज नहीं था, मैंने सिंपल फ्यूल लाइन से आते देखा, मैंने कहा ठीक है फ्यूल आ रहा है। ये सिंपल मल्टीपोर्ट इंजेक्शन सिस्टम था, जो इंजेक्टर लगे होते हैं, GDI हाई प्रेशर सिस्टम नहीं था, बस इन टैंक पंप से हमारा पेट्रोल आ रहा था और आगे मुझे दिख गया पेट्रोल आ रहा है, मैंने लाइन बंद कर दी। उसके बाद मैंने क्या चेक किया, मैंने कहा कि जो ECM आपने बदला है उसके बाद आपने इसकी प्रोग्रामिंग की है कि नहीं, सो ECM की प्रोग्रामिंग हुई है कि नहीं। उन्होंने कहा कि ECM की कोई प्रोग्रामिंग नहीं की है, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे वो पुराने वाला ECM वापिस आके दे दीजिए, मैं उसी ECM पे चेक करूंगा, क्योंकि वो आपने रिप्लेस कर दिया है, मैंने आपको नहीं कहा था रिप्लेस करने के लिए, तो आप मुझे वो ECM ला के दीजिए, पुराने वाला ECM मैंने वापिस लगा दिया। सबसे पहली जो चीज उसके बाद मैंने की, मैंने कैम सेंसर, सो जो सेंसर आपके सामने आपके ऊपर जो आपको दिख रहे हैं वो आपने चेक करने हैं। सो सबसे इजी मेरे पास था कैम सेंसर, मैंने अपने मल्टीमीटर को यूज किया और कैम सेंसर को चेक किया, हॉल इफेक्ट 3 वायर वाला, हमारा 3 वायर वाला हॉल इफेक्ट सेंसर था, उसमें 3 तारे जा रही थी। मैंने पावर चेक की, मैंने ग्राउंड चेक की, मैंने सिग्नल वायर चेक की, और सिग्नल वायर पे मैंने मल्टीमीटर से चेक किया, मेरे पास 12.0 चेंज आ रहा था वोल्टेज का, वो चेंज स्विच हो रहा था 12.0 12.0, जैसे जैसे कैमशाफ्ट का रिलेक्टर घूम रहा था, कैमशाफ्ट घूम रही थी, तो मैंने कंफर्म कर लिया कि मेरा कैमशाफ्ट सेंसर सही है, हमारी बेल्ट नहीं टूटी, हमारी चेन नहीं टूटी। उसके बाद मैंने चेक करना था क्रैंक सेंसर। अब क्रैंक सेंसर चेक करने के लिए मुझे गाड़ी को उठाना पड़ता, इतना टाइम मैं नहीं लगाना चाहता, किसी के घर के बाहर मैं काम कर रहा हूं, तो मैंने सोचा कि बस इग्निशन कॉइल निकालता हूं। तो मैंने सिंपल इग्निशन कॉइल है जो वो निकाली, यहां पे उसका कनेक्टर है, तारे हैं, इग्निशन कॉइल निकाली, स्पार्क चेक किया और स्पार्क सही था। स्पार्क से मुझे पता लग गया कि मेरा क्रैंक एंगल सेंसर सही है, तभी हमारा ECM उस चीज को, उस सर्किट को, ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ कर रहा है, उसको सिग्नल दे रहा है और हमारी स्पार्क आ रही है, तो मैंने अज्यूम कर लिया हमारा क्रैंक एंगल सेंसर भी ठीक है। उसके बाद मेरा कैम सही हो गया, हमारा क्रैंक सही हो गया, तो मेरे पास रह गया कि क्या टाइमिंग सही है। टाइमिंग के लिए मुझे कैम और क्रैंक दोनों को लैब स्कोप लगाना पड़ता, उससे मैं टाइमिंग चेक कर सकता था, क्योंकि इसमें टाइमिंग चेन थी, तो मैंने कहा ये बाद में देखेंगे। मैंने फ्यूल लिया, पेट्रोल लिया और इनटेक में मैंने पेट्रोल डाला
और गाड़ी स्टार्ट हो गई, जिससे मेरा सारा बाकी का काम कंफर्म हो गया कि बाकी सब ठीक है, मेरे फ्यूल में इशू है। सो मेरे फ्यूल में इशू है, पर फ्यूल तो जब मैंने गाड़ी को क्रैंक किया पाइप में से आ रहा था, पर वो क्या इतना प्रेशर आ रहा था कि गाड़ी स्टार्ट हो सके। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अब गाड़ी को, क्योंकि उस गाड़ी में पंप निकालने के लिए नीचे से जाना पड़ता है, सीट निकाल के पंप तक नहीं पहुंच सकते, तो अब मुझे चेक करना था कि इसमें पावर और ग्राउंड आ रहे हैं कि नहीं, पंप कर क्या रहा है। तो मैं जब भी डायग्नोज करता हूं, मैं सबसे इजी तरीका ढूंढता हूं कि गाड़ी को कैसे चेक किया जाए, किसी सिस्टम को कैसे चेक किया जाए। मुझे पसंद नहीं है कि मैं ज्यादातर चीजें खोलूं, क्योंकि वो टाइम भी बहुत लगता है मुझे, और कई बार मौसम भी ऐसा नहीं होता, मन भी नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ कि यार सबसे इजी और सबसे फास्ट तरीका क्या होगा। तो मैंने सिंपली क्या किया, जैसे आप देख सकते हो ये ऐप में भी मैंने दिया हुआ है कि रिले हम कैसे टेस्ट करते हैं। ये डायग्राम दी गई है कि हमारा रिले ऐसे होता है और यहाँ पे मोटर दी गई है, बिल्कुल सेम फंडा उस गाड़ी में था, मोटर की जगह फ्यूल पंप था, फ्यूल पंप भी एक मोटर ही है। सो हमारे पास, मानिए ये हमारा रिले है, रिले के अंदर हमारे पास पिन होती हैं। सो ये 4 पिन वाला रिले था, ये हमारी 80 नंबर, ये हमारी सॉरी 87, 30, 85 और 86, ये हमारा रिले था, रिले की 4 पिन्स थी। अब रिले में दो दो साइड्स होती हैं, एक हमारी लोड साइड होती है, एक कंट्रोल साइड होती है, जैसे मैंने ऐप में बताया है। तो मैंने क्या किया कि अगर फ्यूल पंप मेरा सही है, क्योंकि अब पावर एंड ग्राउंड चेक करने का मेरा इतना ज्यादा इशू नहीं था, क्योंकि मैंने क्रैंक की थी और थोड़ा सा फ्यूल निकला था, तो मतलब पंप चल रहा है, पावर जा रही है, पर क्या उतनी पावर जा रही है या नहीं, कितनी एम्परेज है। तो मैंने बहुत सिंपल टेस्ट किया, मैंने क्या किया, जो हमारी लोड साइड होती है, लोड साइड होती है जिस पे आपका मोटर या कोई ना कोई चीज चलनी होती है, तो मैंने क्या किया, मेरी 30 और 87 और 30 में, 87 और 30 में मैंने तार लगाई, और तार पे मैंने क्या लगाया, तार पे मैंने अपना एम्प क्लैंप लगा दिया, इसके अंदर से तार निकली। इसने अब तार का जो करंट है वो मेजर करना है, और मैंने मेजर किया, गाड़ी को क्रैंक किया और यहां पे लिखा आया 18 एम्प्स, 18 एम्प का करंट आया, 18 एम्प्स का करंट ड्रॉ है। तो मैंने कहा कि इतना सिंपल फ्यूल पंप, MPFI सिस्टम पे फ्यूल पंप आराम से 5 या 7 एम्प्स लेता है, 18 एम्प का करंट ड्रॉ कैसे है, जिसका मतलब कि पंप खराब हो चुका है और वो बहुत सारा करंट ड्रॉ ले रहा है घूमने के लिए, चलने के लिए, जिससे वो इनफ प्रेशर फिर भी नहीं बना पा रहा। एक सिंपल टेस्ट मैंने ये किया, जब मैंने यहां पे 18 एम्प्स देखे, मैं समझ गया कि हमारा पंप खराब है। तो उसी वक्त मैंने सारा कुछ बैग में वापस डाला, कस्टमर को कहा मैंने कि इस गाड़ी को चाहिए एक नया फ्यूल पंप। मैं मार्केट गया, मैंने शॉप से फ्यूल पंप लिया, गाड़ी लाया, फ्यूल पंप रिप्लेस किया। अब मैं गाड़ी के नीचे जाके गाड़ी को उठा के कर भी सकता हूं, क्योंकि अब मैं कॉन्फिडेंट हूं। मानिए कि मैंने सारा काम किया, फ्यूल पंप बदल दिया, गाड़ी को डन किया, और फिर भी गाड़ी गाड़ी ना चली, अब मैं कस्टमर को कैसे बताऊंगा कि जो मैं आपको चार्ज करने लगा हूं, जो जिस चीज के आपसे पैसे मांगने लगा हूं, गाड़ी फिर भी ठीक नहीं हुई। अब मैं श्योर हूं कि गाड़ी ठीक होगी, क्योंकि मैंने ये 18 एम्प्स का करंट ड्रॉ देख लिया है, फ्यूल पंप हमने बदला और गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई। सो जो अंडरस्टैंडिंग है कि कौन सा सिस्टम कितने तरीकों से चेक हो सकता है, ये एक तरीका भी था कि मैं सीधा पंप तक जाके पावर एंड ग्राउंड चेक कर लेता। फ्यूल, अगर मेरे पास फ्यूल गेज होता, रीडिंग जिस पे 1 2 3 जो यहाँ लिखा होता है, आप इसे लगा लेते हो फ्यूल लाइन पे, फ्यूल यहाँ पे हमें प्रेशर बता देता है, अगर वो होता फिर भी मेरा बहुत टाइम बच जाता। फ्यूल गेज भी नहीं था मेरे पास, और मैंने सिंपली एम्प क्लैंप यूज किया रिले पे, रिले सबसे ऊपर होते हैं, एम्प क्लैंप यूज किया और मैंने डायग्नोज कर लिया कि हमारे फ्यूल पंप का इशू है। यहां पे क्या काम आया, क्या मेरी वायरिंग डायग्राम काम आई, शायद आगे जाके आती, पर अब तक के लिए मुझे, मैंने वायरिंग डायग्राम को नहीं छुआ, मैंने वायरिंग डायग्राम देखी भी नहीं, और मैंने गाड़ी को चेक कर लिया। कैम सेंसर को चेक करते हुए मैंने वायरिंग डायग्राम नहीं देखी, इग्निशन कॉइल को चेक करते हुए वायरिंग डायग्राम नहीं देखी, फ्यूल पंप को चेक करते हुए वायरिंग डायग्राम नहीं देखी, और बहुत आराम से मैंने गाड़ी को डायग्नोज कर लिया। और ऐसी एक गाड़ी नहीं, ऐसी बहुत गाड़ी है जो मैंने डायग्नोज की है बिल्कुल सेम तरीके से, बस अपनी नॉलेज को यूज करके, कि वो सिस्टम
हम कैसे चेक करेंगे? हर एक सिस्टम को चेक करने के एक या दो से ज्यादा तरीके होते हैं, और जब भी आप किसी सिस्टम को चेक करें, अगर मानिए कि ये हमारी मंजिल है, ये हमारी मंजिल है, ये हमारा इशू है, आपने इस तरीके से गाड़ी को डायग्नोज किया, आपका रिजल्ट आया पॉजिटिव कि हाँ ये चीज खराब है, फिर आपने दूसरे तरीके से उसे चेक करना है और दूसरी टेस्टिंग को यूज करके, अगर फिर भी आया पॉजिटिव, यानी ये इशू पक्का है कि ये खराब है। अगर आपने एक बार चेक किया ये पॉजिटिव आया, दूसरी बार चेक किया नेगेटिव आया, मैं श्योर नहीं हूं। जब तक मैं श्योर नहीं होता किसी चीज को डायग्नोज करके, तब तक मैं उसे नहीं बदलता। आपका सक्सेस रेट है, जो सक्सेस रेट होना बहुत जरूरी है कि कितनी बार आपने किसी चीज को डायग्नोज किया और वो बिल्कुल ठीक होगी पहली बार में। अगर आपका सक्सेस रेट 90 से ऊपर नहीं है तो आप डायग्नोस नहीं सही कर पा रहे। आपको डायग्नोस्टिक्स की और नॉलेज और मल्टीमीटर की और इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स की नॉलेज है, नॉलेज होनी चाहिए, फिर आप जाके उसे डायग्नोस कर सकोगे। आप जब बहुत से हमारे भाई ऐप को यूज कर रहे हैं, और कुछ कुछ भाइयों ने ऐप को यूज करते गाड़ियां ठीक भी की हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ऐप बढ़िया है पर समझ में नहीं आ रही। समझ में क्यों नहीं आ रही, मैं उसका कारण आपको बता देता हूं कि जो चीजें मैंने ऐप में डाली हैं वो बहुत साल मैंने काम करके फील्ड में सीख कर, बहुत सी किताबों से, कॉलेजेस से, अलग अलग देशों से पढ़ाई करके मैंने ऐप बनाई है। अगर आप एक सिंपल ऐप को यूज करके उस चीज को समझ सकेंगे तो मतलब मेरे इतने साल की जो पढ़ाई है वो मैं ऐप में डाल बैठा हूं, पर वो चीज सही मतलब हो ही नहीं सकती। इतनी सारी नॉलेज मैं ऐप में डाल ही नहीं सकता, और क्योंकि दो दो साल के कोर्स होते हैं, जो मैंने कोर्स किया था कनाडा जाकर, या डायग्नोस्टिशियन का कोई भी आप कोर्स करते हो तो वो 2 साल से कम नहीं होता। 2 साल में जितना आप पढ़ोगे, जितनी किताबें पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे, वो एक ऐप में नहीं आ सकता। उसके लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत ट्रेनिंग लगती है, बहुत सारा काम करना पड़ता है अलग अलग गाड़ियों पे, फिर जाकर आप उस चीज को सीखते हो। मैंने ऐप में डाल दिया है, पर इसको जो समझना है, जो इसको सीखना है कि इसे चलाना कैसे है, मैं आपको ये बता दूं, अगर आप मेरी बनाई हुई ऐप यूज करें पूरे तरीके से, जब आपको ये समझ आ जाएगा कैसे यूज करनी है, अगर आप इसे यूज करें, 70% गाड़ियां आप चेक कर सकते हो। मेरा मेन मकसद ऐप बनाने का था आपकी इंजन लाइट को ठीक करना। मानता हूं कि गाड़ी पे BCM के इश्यू भी होते हैं, आपके डोर लॉक वगैरह इशू, विंडो के इशू, ये सब होता है, पर मेरा मेन काम था कि आपकी इंजन लाइट, ट्रांसमिशन, ABS, जो ड्राइवेबिलिटी वाले कंसर्न होते हैं, उनको ठीक करना, क्योंकि मैक्सिमम वो चीज आती है, और इंजन लाइट सबसे इजी होता है इंजन लाइट को ठीक करना। इंजन लाइट जब भी मैं किसी गाड़ी में देखता हूँ मेरा मन खुश हो जाता है, मुझे होता है यार इंजन लाइट ऑन है, ये तो बड़े आराम से ठीक कर लेनी है। अगर आप मेरी ऐप समझ जाए, या जो ऐप के पीछे मेरा आइडिया है, जो मेरा दिमाग है इसके पीछे, अगर आप वो समझ गए, आप किसी भी गाड़ी को हाथ लगाने में डरेंगे नहीं। आप कहेंगे चाहे वायरिंग डायग्राम हो चाहे ना हो, चाहे कोई हेल्प करे ना करे, मुझे पता है आपको ECU पिनआउट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस गाड़ी चाहिए, अपना स्कैन टूल चाहिए, मल्टीमीटर चाहिए, और आप गाड़ी को डायग्नोस कर लेंगे। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, यहां पे मैंने बताया हुआ है आपको, ये वाल्व है। अगर आप इंजन में जाते हो, एक्चुएटर्स में जाते हो, वहां पे मैंने फ्यूल इंजेक्टर, पर्ज वाल्व, EVAP के जो वाल्व हैं, DRV आपका फ्यूल रेगुलेटर वाल्व है, वो वगैरह डाले हुए हैं, और उन सबकी टेस्टिंग सेम है। यहाँ पे लिखा है इंजेक्टर डिस्कनेक्टेड, की ऑन, इंजन ऑफ। सो इंजेक्टर डिस्कनेक्टेड का क्या मतलब है, ये हमारा इंजेक्टर है, मानिए ये इंजेक्टर है जो स्प्रे करता है, और ये उसका कनेक्टर है, 2 पिन वाला कनेक्टर है हमारा यहाँ पे, है ना, डिस्कनेक्टेड, इसे आपने डिस्कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने की ऑन, यहाँ पे लिखा है की ऑन, पर इंजन ना चलता हो, की ऑन इंजन ऑफ। आपने अब इसकी वोल्टेज चेक करनी है, आपके पास मल्टीमीटर है यहाँ पे, ये आपका मल्टीमीटर है, और यहां से आपके पास एक ब्लैक वायर है और एक रेड वायर है, आपने चेक करनी है। ये है वोल्टेज ड्रॉप, सिंपली मैं वोल्टेज ड्रॉप चेक कर रहा हूं। तो पहले तो सिंपल वोल्टेज चेक करेंगे। अब यहां पे मैंने लिखा है कि ग्राउंड साइड कंट्रोल्ड या पावर साइड कंट्रोल्ड। अब इस चीज का क्या मतलब है,
मैंने लिख दिया है, इस चीज का क्या मतलब है? आप नीचे जाएंगे वहां पे दोबारा ये चीजें लिखी हैं, पर इंजेक्टर कनेक्टेड के साथ, वहां पे भी लिखा है ग्राउंड साइड कंट्रोल, पावर साइड कंट्रोल। सो इस चीजों का इनको मतलब क्या है? जब तक आप ये समझते ही नहीं ये चीजें लिखी क्यों गई हैं, तब तक आप ऐप यूज नहीं कर सकते। ग्राउंड साइड कंट्रोल का मतलब मैं आपको अभी जल्दी समझा देता हूं। ग्राउंड साइड कंट्रोल में क्या होता है कि ECM है जो, वो उस सोलिनोइड का, मानिए कि ये हमारा सोलिनोइड है, उसका ग्राउंड कंट्रोल करता है और यहां पे पावर है। पावर साइड कंट्रोल में क्या है कि बाहर हमारा ग्राउंड है और ये सोलिनोइड है और ये हमारा ECM है, ECM, और इसकी पावर कंट्रोल कर रहा है ECM। अगर ECM पावर कंट्रोल करे तो वो पावर साइड कंट्रोल, अगर ECM ग्राउंड कंट्रोल करे तो ग्राउंड साइड कंट्रोल। अब ये नंबर कहां से लिए मैंने? अगर आप इसे डिस्कनेक्ट कर दें, डिस्कनेक्ट कर दिया, मानिए फिर मैंने ये सॉलिनॉइड यहां से निकाल दिया, तो मेरे पास यहां पे दो तारे रह गए। अब दो तारे रह गई हैं, तो यहां से पावर आ रही है उस पे तो 12 वोल्ट होंगे ही होंगे क्योंकि की ऑन है, पर यहां पे ग्राउंड, अब जो ECM की तरफ है ग्राउंड, अब दो चीजें हैं कि क्या वो सोलिनॉइड ऑन है या नहीं। अगर ऑन है तो ये ड्राइवर है जो, आपका ड्राइवर या ट्रांजिस्टर, ये ऑन होगा तो ग्राउंड होगा, ऑफ होगा तो ग्राउंड नहीं होगा, पर फिर भी आपके पास 12 और 0 आएंगे क्योंकि इस तरफ कोई पावर सोर्स नहीं है। सो ग्राउंड साइड कंट्रोल पे 12 और 0 है। अगर पावर साइड कंट्रोल होता, अगर ट्रांजिस्टर ऑफ है, अभी भी ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ है, तो यहां पर तो ग्राउंड है ही है, 0 है, क्योंकि यहां पे ECM के अंदर पावर है पर वो ड्राइवर ऑफ है, तो ये पावर भी हमारे काम नहीं आएगी, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, जिसकी वजह से हमारे पास 0 एंड 0 है। ये है लेस देन 1 0.10, क्योंकि ग्राउंड है हमारा। अगर ये ऑन होते तो यहाँ पे हमारे पास 0, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 12 होता। सो ग्राउंड साइड कंट्रोल्ड का कोई मतलब था जिसकी वजह से मैंने उसे ऐसे लिखा, पावर साइड कंट्रोल का कोई मतलब था जिसकी वजह से मैंने उसे ऐसे लिखा। बहुत सी चीजें हैं जो समझनी जरूरी हैं कोई ना कोई टेस्टिंग करने से पहले। इंडिया में हम, अब बहुत से लोग हैं वो कह रहे हैं कि ECM रिपेयर सीखनी है। ECM रिपेयर इतनी क्यों करनी पड़ रही है हमें? वो इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हम समझ नहीं रहे कि सर्किट कैसे चलते हैं। कोई भी तार हम किसी भी तार के साथ कनेक्ट कर करके ECM के ड्राइवर ट्रांजिस्टर खराब करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ECM रिपेयर इतनी ज्यादा है इंडिया में। मैंने अपने करियर में 2 या 3 बार ECM रिप्लेस किए हैं, उससे ज्यादा नहीं। उसके अलावा मैंने इतनी गाड़ियां डायग्नोज की हैं पर ECM इशू नहीं था, क्योंकि वायरिंग की नॉलेज यहां पर सभी को है कि वायरिंग किसी ना किसी से हम ऐसे टच नहीं कर सकते जब तक हम ये नहीं समझते कि सर्किट वो चल कैसे रहा है। इसकी एक, अब यहां यहां देखते हैं, ये है क्रैंक सेंसर या कैम सेंसर हॉल इफेक्ट का। यहां पे मैंने टाइप 1 दिया है, टाइप 2 दिया है। अब टाइप 1 या टाइप 2 की बजाय मैं यहां पे पुल अप और पुल डाउन भी लिख सकता था, या दो टाइप्स भी लिख सकता था, है ना। जो पुल अप एंड पुल डाउन है, बहुत से हमारे भाई पूछते हैं हमें कि पुल अप और पुल डाउन, पुल अप और पुल डाउन सर्किट क्या होते हैं। अगर मैं आपको 5 मिनट में कोई ऐसी वीडियो बना के दिखा दूं जिसमें पुल अप और पुल डाउन मैं आपको बता सकूं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत डीप तक जाना पड़ता है कि ये सिस्टम चलते कैसे हैं, ये सर्किट चलते कैसे हैं। बहुत से मित्र पूछते हैं सर कमेंट्स में कि पुल अप पुल डाउन सर्किट कैसे होते हैं, कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, सिग्नल पे क्या होना चाहिए, जल्दी से वो आप बता दीजिए। हो ही नहीं सकता कि मैं आपको इतनी स्पीड में वो बता दूं। मुझे महीने लगे हैं इस चीज को पढ़ने में, कॉलेज जाकर, क्लासेस लगाकर, कितने पेज हमने काले किए हैं डायग्राम्स बना बनाकर, कैलकुलेशन करके, तब जाके हमें समझ आया कि पुल अप पुल डाउन कैसे होता है। हर एक चीज को समझने में बहुत टाइम लगता है, बहुत साल लगे हैं, बहुत टाइम कॉलेज में स्पेंड किया है मैंने, ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिशियन की पढ़ाई करते हुए। वो सारा कुछ इतनी जल्दी नहीं समझा सकता मैं, यूट्यूब वीडियो पे नहीं समझा सकता। उसके लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए, जिसके ऊपर मैं अभी आऊंगा कि ट्रेनिंग हमने शुरू करनी है, ट्रेनिंग सेशन शुरू करने हैं, वेबिनार शुरू करने हैं। सो टाइप 1 पे आपके पास ये तीनों वोल्टेजेस आती हैं, टाइप 2 पे ये वोल्टेजेस आती हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि ये टाइप 1 है या टाइप 2? क्या क्या होता कि अगर वो टाइप 1 ही होती और आपकी सिग्नल वायर है, ये सिग्नल वायर है जो ECM को जाती है और ये शॉर्ट हो जाती ग्राउंड को,
ये जीरो हो जानी थी सिग्नल वायर, जहां पे जीरो आ जाना था और ये जीरो हो गया था। अगर ये जीरो हो गया था आपको लगना था कि टाइप टू है, बल्कि है वो टाइप वन, पर उसकी सिग्नल वायर शॉर्ट टू ग्राउंड हो चुकी है। तो जरूरी है समझना कि सर्किट चल कैसे रहे हैं। सिंपल नंबर, अगर आप ये कह रहे हो कि वोल्टेज बता दो कितनी आएगी किस तार पे, अगर मैं कहता हूं 12 12 0 आनी चाहिए, होनी भी 12 12 0 चाहिए, अगर वो तार ग्राउंड को शॉर्ट हुई हुई वो 12 0 0 आई, फिर आप क्या करेंगे? जरूरी है जानना कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है, कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट है तो आप टेस्ट लाइट से शॉर्ट चेक कीजिए या मल्टीमीटर से शॉर्ट चेक कीजिए, फिर आपको पता लगेगा कि पुल डाउन पुल हाई पुल अप सर्किट है, उसे फिर कैसे चेक करना है। यहां पे लिखा है मैंने 2.5 बायस वोल्टेज। 2.5 बायस वोल्टेज किस लिए है? कि वो ईसीएम मॉनिटरिंग के लिए है। अगर आप, अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये गाड़ी बायस वोल्टेज यूज करती है कि नहीं। सबसे बड़ी मुसीबत जो इंडिया में आ रही है इस टाइम की, वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस में आप किसी भी गाड़ी की कोई भी वायरिंग डायग्राम, कोई भी प्रोसीजर निकाल सकते हैं आराम से इंटरनेट से। कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, आपको फीस देनी पड़ती है। इंडिया में वो नहीं है। अगर वो चीजें नहीं है तो ये चीजें, ये नॉलेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझते, इंफॉर्मेशन भी नहीं है, आप बहुत सारा टाइम, बहुत सारा पैसा वेस्ट करोगे, कस्टमर का, खुद का भी, गाड़ियों को ठीक करने में, गलत गलत पार्ट्स डालने में, और उसका एट दी एंड आपको कोई फायदा नहीं होगा। जितना आराम से आप इसे डायग्नोज कर सकते हैं उतना ही ज्यादा आप पैसा बना सकते हैं। पैसा ही बनाना मकसद होगा, फिर आप जाके चार पैसे बना सकते हैं। अगर आप गैस करोगे, तुक्के लगाओगे, तुक्के लगाकर आप पैसा नहीं बना सकते। तो आगे चलते हैं। सो हमने बनाया क्या है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, हमने रखी है गोल्ड क्लास ट्रेनिंग। अब गोल्ड क्लास ट्रेनिंग क्या है? ये होगी एक पेड ट्रेनिंग। वेबिनार होंगे हर हर वीक, महीने में 4 हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते मैं एक वेबिनार लगाऊंगा। टॉपिक है जो, वो हम पहले डिसाइड कर लेंगे, पूरे महीने के टॉपिक में डिसाइड कर लूंगा कि कौन से 4 टॉपिक हम इस महीने कवर करेंगे। टोटली डिफरेंट अप्रोच होगी, जो आपने आज तक सीखा है उससे एडवांस अप्रोच होगी हमारी, कि कैसे हम किसी चीज को टैकल करते हैं, कैसे हम किसी सिस्टम को डायग्नोस करना, टेस्ट करना शुरू करते हैं। सो आपकी अप्रोच डिफरेंट होगी, एडवांस ट्रेनिंग होगी। आपने आज तक इंडियन ट्रेनिंग देखी है, मैं आपको इंटरनेशनल ट्रेनिंग दिखाऊंगा कि अमेरिका में कैसे चेक होता है, कनाडा में कैसे चेक होता है, अब ऑस्ट्रेलिया में कैसे चेक होता है। ये ट्रेनिंग आपको और किसी चैनल पे नहीं मिलेगी। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स क्या है और कैसे चेक होती हैं चीजें। उसके साथ साथ मैं बात करेंगे हम केस स्टडीज की, कि कौन सी गाड़ी मैंने चेक की थी, कैसे उसे चेक किया था। जितना ज्यादा मैं आपको अपनी सोच के बारे में बताऊंगा कि मैं कैसे सोचता हूं जब गाड़ी को डायग्नोज करते हुए, उतना ही आप वैसी सोच लेकर गाड़ी को डायग्नोज करना शुरू कर देंगे। जो हम 4 टॉपिक, सो मानिए कि अगला महीना जुलाई का आ रहा है और 4 हफ्ते हैं हमारे पास। सो पहले हफ्ते मैंने आपको कहा कि हम पुल अप और पुल डाउन डिजाइन के बारे में बात करेंगे। दूसरे हफ्ते हम बेसिक इलेक्ट्रिकल्स के बारे में बात करेंगे। तीसरे हफ्ते हम मिस फायर डायग्नोस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। चौथे हफ्ते हम लैब स्कोप के बारे में बात करेंगे। सो ये 4 हफ्ते हमने डिसाइड कर लिए और आपको पूरी फ्रीडम है आपने कौन सी क्लास में ज्वाइन करना है। अगर आप सोच रहे हो कि आपने पुल अप पुल डाउन नहीं सीखना, आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल नहीं सीखना, आपने मिस फायर डायग्नोज सीखना है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि तीसरे हफ्ते जो हमारी वेबिनार है मिस फायर डायग्नोस्टिक्स का, आप वो सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बस उसी डायग्नोस्टिक्स में एनरोल कर दूंगा। और हम हमारी क्लास लगेगी 1 से 2 घंटे की, हमारी क्लास होगी जूम पे, हमारी क्लास होगी जूम सॉफ्टवेयर पे। आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब भी दूंगा। बेसिक जो सारी नॉलेज है, डेप्थ नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, वो सारी हम कवर करेंगे ताकि आपको वो चीजें समझ आए। जो चीजें मैंने बहुत साल कॉलेज में पढ़ाई करके, किताबें पढ़ के, कंपनियों में जॉब करके, अलग अलग देशों में जॉब करके सीखी है, वो चीजें मैं आपको वेबिनार पे ऑनलाइन सिखाने को तैयार हूं। ये ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो, वो बहुत बढ़ जाएगा। आपके अंदर से डर निकल जाएगा कि गाड़ियों पे कोई ना कोई, चाहे कोई इशू आ जाए, आपको कोई फिक्र नहीं आया। और इसके साथ साथ
अगर आप एडवांस हो जाते हो, आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, आपको पता लग जाता है सिस्टम्स के, आपको करियर अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं, आपको पता है कि अब आपको ये सारा कुछ आ गया है, आप नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकते हो। तो बहुत से भाई मुझे उस दिन लाइव वीडियो हुई थी और वो पूछ रहे थे कि आपकी एजुकेशन कितनी है, आपने कितनी पढ़ाई की हुई है, तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपके साथ बात कर लूंगा। तो मैंने सारी पढ़ाई की थी कनाडा से। सो कनाडा में मैंने सारी पढ़ाई की थी और शुरू किया था मैंने सर्विस टेक्नीशियन से। जो मेरी पहली जॉब थी वो उसमें मैं गाड़ियों के तेल बदलता था, ऑयल चेंज करता था। वहां से मैं बना जनरल टेक्नीशियन। जब जनरल टेक्नीशियन बना तो मैंने इंजन बनाने शुरू किए, ट्रांसमिशन निकालने, इंजन बनाने, डिफरेंशियल बनाने शुरू किए। तो बाकी सारे का मैकेनिकल काम है वो करना शुरू किया। जब मैंने बहुत से इंजन बनाए, 8 सिलेंडर इंजन बनाए, 4 सिलेंडर इंजन बनाए, स्पोर्ट्स गाड़ियों के, महंगे गाड़ियों के इंजन बनाए मैंने। उसके बाद मैं बना डायग्नोस्टिशियन। डायग्नोस्टिशियन में मैंने गाड़ियां डायग्नोस करनी शुरू की, किससे भी, कोई भी कंपनी की गाड़ी, कोई भी इलेक्ट्रिकल इशू, सारा डायग्नोस्टिशियन का काम मैंने करना शुरू किया। डायग्नोस्टिशियन से मैं बना मास्टर टेक्नीशियन। मास्टर टेक्नीशियन में मैं पूरी शॉप भी देखता था, जितने भी मैकेनिक होते थे उस शॉप में, और बाकी का काम भी देखता था कि चाहे कोई गाड़ी आ जाए, इंजन का काम आ जाए, इलेक्ट्रिकल का काम आ जाए, डिफरेंशियल्स का काम आ जाए, ट्रांसमिशन का काम आ जाए, वो मैं देखता था, तो मैं वो काम करता था। उसके बाद मैं टोयोटा डीलर पे फोरमैन लगा। वहां पे मेरे पास 14 मैकेनिक होते थे, गोरे होते थे, 14 गोरे मैकेनिक। तो वहां पे मैं फोरमैन था, देखता था कौन कैसा काम करता है, कौन किसको कितनी कैसी जॉब देनी होती है, या कोई भी इशू जब डीलरशिप पे आता था जो डायग्नोस नहीं होता था वो मैं चेक करता था। वहां से मैं बना डायग्नोस्टिक ऑफिसर। जब मुझे ये सारी नॉलेज हो गई तो मैं स्नैप ऑन कंपनी में डायग्नोस्टिक ऑफिसर बना। डायग्नोस्टिक ऑफिसर का मतलब था कि चाहे कोई गाड़ी हो मैं उसे डायग्नोस कर सकता हूँ, फोन पे भी किसी की हेल्प कर सकता हूँ डायग्नोस कैसे करना है। तो ये स्नैप ऑन कंपनी में मैं डायग्नोस्टिक ऑफिसर लगा था, जहां मैंने बहुत से लोगों की पूरे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हेल्प की गाड़ियां डायग्नोस करने में। और वहां से मैं बना टेक्निकल स्पेशलिस्ट। टेक्निकल स्पेशलिस्ट जैसे किसी कंपनी की गाड़ियां होती हैं, जब किसी से ठीक नहीं होती तो वो कंपनी ऊपर से टेक्निकल स्पेशलिस्ट बुलाती हैं जो गाड़ियों को आके चेक करता है जब वो कभी ठीक नहीं होती। तो आज आप मेरा काम है टेक्निकल स्पेशलिस्ट का। जब किसी को कोई गाड़ी ठीक नहीं होती, किसी मैकेनिक की शॉप पे कोई गाड़ी ठीक नहीं होती, तब ईमेल मेरे पास आती है कि ये गाड़ी को हम कैसे चेक करें। सो मैं लास्ट रिजॉर्ट हूँ, आखिरी मुकाम हूँ किसी मैकेनिक का, कि अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो ये इंसान मेरी गाड़ी चेक करवा सकता है, ठीक करवा सकता है। ईमेल में मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ या नॉलेज देता हूँ कुछ भी। तो ये सारा मैंने कवर किया है, बहुत साल लगा के, बहुत पढ़ाई करके, और उस सारी पढ़ाई का निचोड़ मैं इन वेबिनार्स में डाल के आप सब तक लाना चाहता हूँ कि आप जो ये चीजें हैं, आपको ये चीजें अब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा इस लेवल पर पहुंच जाएंगे, डायग्नोस्टिक ऑफिसर के लेवल पे, कि आप कोई भी गाड़ी आप बड़े आराम से डायग्नोस कर सकते हैं। तो टॉपिक्स हमारे कैसे होंगे, हाइब्रिड ही लिखा, या यहाँ पे मैंने हाइब्रिड भी लिखा है क्योंकि हम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में भी क्लासेस लगाएंगे कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कैसे होती है, ईवी टेक्नोलॉजी कैसे होती है। सो बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में बात करेंगे, सेंसर डायग्नोस्टिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, पुल अप पुल डाउन सर्किट्स, कॉमन रेल डीजल, लैब्सकोप टेस्टिंग, कोड डिस्क्रिप्शन एनालिसिस, अलग अलग चीजों के बारे में हम क्लासेस लगाएंगे। इंजन रीबिल्डिंग पे भी हम क्लासेस लगाएंगे कि सिलेंडर हेड कैसे हम रखते हैं, कितनी टॉर्क देनी चाहिए, कौन से टूल यूज होते हैं, पिस्टन कैसे डालना है, कैसे उसकी रिंग फेस कहाँ होना चाहिए, क्राउन फेस कैसे होना चाहिए, वो सारी चीजें, बैरिंग गैप कैसे मेजर करना है, वो सारी चीजों के ऊपर भी हम बात करेंगे कि इंजन परफॉर्मेंस, इंजन कैसे बनाते हैं, उन सारी चीजों पे बात होंगी। ये मैंने थोड़े से टॉपिक लिखे हैं, ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे, जिसको महीने शुरू होने से पहले मैं डिसाइड कर लूंगा और आपको पूरी फ्रीडम होगी कि आपने कौन सा टॉपिक सीखना है और आप बस उसी टॉपिक के पैसे पे करेंगे। तो पेमेंट कितनी होगी एक वेबिनार की, जो एक हमारी दो तीन एक दो घंटे की क्लास होगी, उसकी फीस होगी बस 300 रुपए। 300 रुपए में मैं आपको वो नॉलेज दूंगा जो मैंने इतने साल में इकट्ठी की है। सो आपने मानिए कि हमारे जुलाई के दूसरे हफ्ते, दूसरे संडे को हमारी क्लास होगी, जो मैंने अभी डिसाइड किया हुआ है, पर अभी पक्का नहीं है, पर हो मोस्ट लाइकली संडे। सो मानिए कि संडे को हमारी क्लास है। अब संडे को क्लास है और हम कवर कर रहे हैं पुल अप और पुल डाउन डिजाइन सर्किट्स। तो आप में से बहुत से भाई कह रहे हैं कि यार ये क्लास में हमने जाना है, ये चीज सीखनी है। तो मंडे से लेकर
थर्सडे तक, उस हफ्ते के मंडे से लेकर थर्सडे तक आपने चाहे गूगल पे कीजिए चाहे फोन पे कीजिए, आपने हमारे अकाउंट में 300 रुपये डाल देने हैं और वहां से मुझे आपका नाम पता लग जाएगा और आपको मैं उस वेबिनार का लिंक भेज दूंगा कि इस तारीख को इतने बजे हमारी संडे को इतने बजे क्लास शुरू होगी, ये उसका लिंक है। जो हमारे इंडिया में भाई हैं वो तो गूगल पे फोन पे कर सकते हैं, जो इंडिया के बाहर हैं वो पेपाल कर सकते हैं। पेपाल अकाउंट में बनाऊंगा, आप अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। जब पेमेंट कंफर्म हो जाएगी मैं आपको लिंक भेज दूंगा, 1 या 2 घंटे की क्लास होगी वो। अगर आप 300 रुपये हाँ वो भेज देंगे आपको मैं एनरोल कर दूंगा और उस संडे आप उस क्लास में एंटर हो सकते हैं और हम वो क्लास लगाएंगे। अगर आपने पूरा महीना 4 क्लासें होंगी, अगर चारों क्लासें आपने अटेंड करनी है तो आप मुझे पहले बता देंगे आपने 4 क्लासें अटेंड करनी है, तो 4 तो हमारा 300 ईच क्लास का, सो आपका 1200 बन जाएगा। सो आपने 1200 पे करके पूरे महीने की 4 क्लासें, जरूरी नहीं है आपने हर एक क्लास में एनरोल होना है, जो जो आप सीखना चाहते हो। आप अभी शुरू कर रहे हो इस फील्ड को, इस ट्रेड को, तो आप इलेक्ट्रिकल सीखना चाहोगे तो आप अकेले इलेक्ट्रिकल में एनरोल हो। अगर आप बहुत पहले से हो इस ट्रेड में, आप आगे तक सीखना चाहते हो तो आप बाकी के चीजों में सीखना में एनरोल होगे। अगर आप हाइब्रिड का सीखना चाहते हो तो आप अकेले हाइब्रिड में एनरोल होगे। तो अलग अलग टॉपिक टॉपिक कवर करेंगे हम महीने में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो की वेबिनार जो ट्रेनिंग है। ये हमारा प्लान है कि इससे हम थोड़ा सा एडवांसमेंट ला सकते हैं, जो आपकी नॉलेज, जो ट्रेनिंग आपको कॉलेजेस से नहीं मिल रही, जो आपको किसी शॉप से नहीं मिल रही, ऑनलाइन नहीं मिल रही, वो मैं आपको दूंगा 300 रुपये एक क्लास में। और वो जो ट्रेनिंग है वो बेस्ट ट्रेनिंग आपको मिलेगी, ये मैं आपको वादा कर सकता हूँ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी वो ट्रेनिंग तो आप उसके बाद वाली ट्रेनिंग बेशक ना लें, पूरी आपको आजादी है। आपने जिस ट्रेनिंग में एनरोल होना है आप उसी में होंगे, उसके बाद वाली में नहीं होंगे। और आपको पूरा साथ दूंगा, जो भी आपके सवाल होंगे क्लास के बाद वाले भी सवाल होंगे उनके भी जवाब दूंगा, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे मैं ऐसी वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, 2 घंटे की तो हमारी वेबिनार की क्लास ही होगी। उसमें बहुत सी चीजें मैंने कवर करनी है, बहुत से सवाल आपकी तरफ से भी आएंगे उनके भी जवाब देने हैं, तो ये चीज यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा प्लान है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ट्रेनिंग का बहुत फायदा होगा। उम्मीद क्या, मुझे श्योर है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और उम्मीद है कि आप लोग इसमें एनरोल करेंगे, आप साथ देंगे ट्रेनिंग में। तो अगले महीने से मेरा प्लान है ट्रेनिंग को शुरू करने का, जहां तक मेरा आइडिया है, जहां तक मैंने प्लानिंग की हुई है। थोड़ी चीजें रहती हैं अभी प्लान करने की कैसे ये होगा, पर ये मेरा इनिशियल आइडिया है, ये पहला आइडिया है कि ये ट्रेनिंग शुरू की जाए। और अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसी ट्रेनिंग लेने में तो जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके इंटरेस्टेड लिख के जरूर बताइएगा कि आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग शुरू करना ही वो ट्रेनिंग देनी शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, कमेंट दीजिए जरूर दीजिएगा अगर आपको ट्रेनिंग में हिस्सा लेना है। मिलेंगे अगली बार।